बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। और आप बच्चों को पता है, हम गेटिंग टू नो प्लांट हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। सो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट के पार्ट्स, पहले रूट्स होती हैं, अंदर की तरफ ब्राउन कलर की होती है जो मिट्टी में होती हैं। उनके ऊपर शूट्स होती हैं जो हरे रंग की होती है, उसमें लीव्स होते हैं, उसमें स्टेम होती है, फ्लावर्स होते हैं। फिर मैंने आपको बेटा तीन तरह के प्लांट्स के बारे में बताया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स होते हैं बहुत छोटे प्लांट और जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर श्रब्स जो हमारी हाइट के होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, थोड़ी हार्ड होती है। फिर आगे हमारी ट्रीज, ट्रीज जो है हमारी बेटा हमारे से बड़ी हाइट की होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको स्टेम के बारे में बताया। फिर मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया, दो तरह के, एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट। फिर मैंने आपके फ्लावर शुरू किया हुआ था। तो आज मैं आपको एक फ्लावर का डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ बना के, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए फ्लावर के पार्ट्स। तो करें जी, आइए लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा कैसा होता है फ्लावर, आइए देखें। आज मैं आपको बायसेक्सुअल फ्लावर बना के दिखा रहा हूं। बायसेक्सुअल के लिए बेटा इस तरह का साइन होता है, ये साइंटिफिक साइन है। अगर आप मेल के लिए साइन बनाना चाहोगे, ये है मेल मेल। अगर फीमेल के लिए बनाना चाहोगे तो ये है फीमेल। अगर बायसेक्सुअल के लिए बनाना है तो दोनों को कंबाइन करके बन जाएगा बायसेक्सुअल। ओके, सो मैं आज आपको एक बायसेक्सुअल फ्लावर दिखा रहा हूं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल भी। तो सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना के दिखाऊंगा आपको। इस तरह का होता है और इसके में इस तरह से आपके पास ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स, ये सब चीजें आपको बड़ी क्लासेस में करवाई जाएंगी। फिर उसके बाद यहां से हमारे पास, क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें मेल पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो मेल पार्ट ऐसे आएगा बेटा, देखो ध्यान से। इसी तरह इस तरफ चलते हैं, सो ये मेल हो गया। फिर हमारे आ जाएंगे फ्लोरल पार्ट्स, देख रहे हैं आप। और फिर हमारे पास आ जाएंगे ग्रीन कलर वाला पार्ट आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर पार्ट आ जाएगा ऐसे। और यहां पे इस तरह से ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया। सो जो बेटा ग्रीन कलर का पार्ट, लीव्स होते हैं ना, ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर, इनको बोलते हैं सेपल, सेपल और केलेक्स। ये आपको याद रखना है। ग्रीन लीव्स जो होते हैं, आप कभी भी किसी फ्लावर को देखो ना बेटा, तो उस फ्लावर में ना आप कलर लीव्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं, तो किसी भी फ्लावर के कलर लीव्स के नीचे वाले लीव्स देखना, वो हमेशा आपको हरे रंग के दिखेंगे, तो उनको ग्रीन लीव्स बोलते हैं। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में उनको बोलते हैं सेपल और केलेक्स। अब ये हैं बेटा हमारे कलर्ड लीव्स, आप सबको दिख रहे हैं यहां पे कलर्ड लीव्स। तो कलर्ड लीव्स, कलर्ड लीव्स को बोलते हैं बेटा पेटल और कोरोला, कोरोला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो आज हम क्या कर रहे हैं,
आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स का। ओके, हो गया जी। और ये जो बेटा मोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर फ्लावर टिका हुआ है, इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको बोलते हैं थैलेमस। अब देखो जी, मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये होता है एंथर, और जिस पतली सी डंडी के ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इनको कट्ठे हमने क्या बोलना है? एंथर और फिलामेंट को कट्ठे हम बोल देते हैं बेटा स्टेमन। स्टेमन और एक और नाम है इसका, और एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी बोलते हैं इसको। अब हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले होता है जी स्टिग्मा, फिर होता है जी ये स्टाइल, और फिर होता है जी ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल बोल देते हैं, और गाइनोशियम। सो ये पूरा मैंने आपको बेटा फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स करवा दिए। सो ए पार्ट, यहां पे हम मेल पार्ट देखेंगे, और बी पार्ट, यहां पे हम फ्लावर का फीमेल पार्ट देखेंगे ओपन करके। तो मेल पार्ट में आपको क्या दिखता है? इस तरह से डंडी दिखती है, और उस डंडी के ऊपर आपको एंथर्स नजर आते हैं। सो ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। और ये क्या बनाया मैंने? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया जी। और इसको क्या क्या बोलते हैं? स्टेमन और एंड्रोशियम। और बेटा इसको किस आपको सिंबल से बनाना है? ये इसका साइंटिफिक सिंबल है मेल का। अब फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, अब एंथर को अगर मैं काट के दिखाऊं तो एंथर के अंदर क्या चीज होगी? एंथर के अंदर होते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स। और अगर मैं ओवरी को काटूं तो ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स। ओके, तो सिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया, ओव्यूल्स हो गए। ओके जी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? इसको जो रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ये इसका सिंबल है। अच्छा, इसको क्या कहना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पिस्टल और गाइनोशियम। सो यूजली होता क्या है,
जब एंथर पूरी तरह पक जाते हैं तो एंथर फट जाते हैं गुब्बारे की तरह, गुब्बारे में हवा भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, एक टाइम आएगा जब गुब्बारा फट जाएगा। तो जब गुब्बारा फट जाता है ना बेटा, तो ऑब्वियसली उसमें से एयर रिलीज हो जाती है। इसी तरह एंथर जब फट जाते हैं तो एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, और इसी तरह ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टिग्मा के ऊपर। तो जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां से यहाँ पे फर्दर जो प्रोसेस है वो बड़ी क्लासेस में आएगा आपको, पर मैं सिंपल वे में आपको अभी के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा से वो अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे वो ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, और ये जो बेटा पूरी ओवरी है ना, ये एक फ्रूट में चेंज हो जाती है। डोंट वरी, आपको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिंपल पार्ट्स याद करने हैं। तो मेल पार्ट इधर बना के दिखा दिया, फीमेल इधर दिखा दिया, और ऊपर जो फ्लावर मैंने आज आपको समझाया उस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों थे। दोनों पार्ट होने के कारण वो बायसेक्सुअल फ्लावर है, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। और जो इसमें कलर्ड लीव्स हैं उनको हम बोलते हैं करोला, और जो ग्रीन कलर्ड लीव्स हैं उनको हम बोलते हैं केलेक्स। ठीक है, सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, और कोई भी डिफिकल्टी हो आप मुझे पूछ सकते हो।